दोस्तों, आप भी एक यूट्यूबर या एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। आपको पता है दोस्तों, आप यूट्यूबर क्यों नहीं बन पा रहे हो? आपको पता होगा कि आप यूट्यूबर क्यों नहीं बन पाते हो। हर बड़े बड़े क्रिएटर के पे आप लोग कॉमेंट करते हो, किसको टेवरी पे ज़्यादा बनाओ तो ज़्यादा व्यूज मिलेगा, किस पे ज़्यादा पैसा मिलेगा। बट आप जब बनाते हो ना, तब आपको व्यूज मिलता ही नहीं है। फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो यार, कि आप हम तो काम कर रहे हैं, आप बताए कैटेगरी पर हमें व्यूज नहीं मिल रहा, हमें सब्सक्राइबर नहीं मिल रहा। या तो आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं होता है दोस्त। आप जो बता रहे हो, हम उस कैटेगरी पर काम करते हैं पर व्यूज नहीं मिलता। इस वीडियो पूरा कंप्लीट देख लो, आप खुद ही समझ जाओगे कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या क्यों नहीं आपको व्यूज, क्यों नहीं व्यूज मिल रहा, क्यों डिमोटिवेट हो जा रहे हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर से कर देना। चलिए ज्यादा ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल अभिटेक ऑफिशियल। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ाई करते हो ना कुछ पढ़ाई करते हो, कुछ ना कुछ स्टडी करते हो। पढ़ाई करने के बाद दोस्तों, आपको जो जॉब मिलता है वो जॉब कब मिलता है? जब आप 12th पास कर लेते हो, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो। कितने लोग तो पोस्ट ग्रेजुएट करके जॉब करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करते हैं, कितने लोग 12th के बाद भी जॉब कर लेते हैं। आप जॉब भी जॉब करते हो यार, आप उस जॉब में आपको कितने पैसे मिल जाते हैं? 30,000, 50,000, मैक्सिमम 1 लाख, यही तो मिलते होंगे। यही तो मान के चलो, इतना ही प्राइवेट में इतना ही मिलता है, 20-25 इतना ही मिलता है यार, इससे ज़्यादा नहीं मिलता आपको प्राइवेट में। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो ठीक है। अब बताओ, 30-40 हज़ार के जॉब करने के लिए आप कितना मेहनत किया? बचपन से मेहनत किया। आपने क्या क्या पढ़ाई किया इसके लिए? आपने नर्सरी से पढ़ना स्टार्ट किया, आपने 10th क्लास किया, आपने 12th पढ़ा, फिर यहाँ पे आपने पूरा फुल ग्रेजुएशन किया। इतना साल आपने पढ़ाई को दिया, तब जाके आप जो जॉब कर रहे हो, कितने की कर रहे हो? 30,000, 40,000, 1 लाख, इतने के ही जॉब करने के लिए आप लोग इतना साल दिए दिए ना। मतलब आप समझ क्या रखे हैं, आप 30-40 हज़ार कमाने के लिए आपने इतना साल दे दिया उसको। लेकिन YouTube, जहाँ पे पैसे की कोई ये बाउंड्री नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, आप यहाँ से लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। 10 लाखों नहीं, 10 लाख, 20 लाख, जितना ज़्यादा आप कमा सकते हो। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, उसके लिए आप 1 साल नहीं दोगे? 1 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, आपको तो 1 महीना नहीं देने के लिए तैयार है। आप तो कुछ दिन काम करते हो, व्यूज नहीं मिल रहे, बंद कर रही हो। तो ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। मेरा भी व्यूज नहीं आ रहा है, मेरा भी व्यूज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या मैं भी छोड़ दूँ? हम लोग का क्या चैनल एक ही दिन में ग्रो कर जाता है? मेरा भी बहुत बड़े बड़े क्रिएटर का एक ही दिन में चैनल ग्रो कर देते नहीं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा चैनल बना रखे हैं। हम देखते हैं बहुत, मैंने ही 3-4 चैनल बनाया है, उसके बाद मैं टेक का स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट किया, फिर से मैं, तब जाके मेरा धीरे धीरे थोड़ा कुछ हो रहा है। जितना ज़्यादा आप यूट्यूब पर काम करते हो दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आप यूट्यूब से सीखते हो। आप कभी ये चीज़ मत सोचा करो यार कि इस क्रिएटर ने ये कॉन्टेंट बनाया और हमने भी ये कॉन्टेंट बनाया और हमारा व्यूज नहीं आया। अगर आपका उस क्रिएटर ने आपको बताया है कि ज़्यादा व्यूज मिले, ज़्यादा पैसे मिले, तो उस क्रिएटर ने कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाया होगा, कुछ ना कुछ प्रूफ दिया होगा कि इस बंदे ने भी बनाया था और इतने वीडियो, इतना पैसा कमा रहा है इतने व्यूज मिलने पर। अगर हम लोग भी कुछ आपको कुछ कैटेगरी में बताते हैं जिसपे आप लाखों रुपये कमा सकते हैं, तो हम लोग उस क्रिएटर का पूरा वीडियो दिखाते हैं आपको। तो चैनल भी तब बनाए, वो भी बताते हैं आपको कि 2 महीना के अंदर इतना व्यूज लेके। आप भी इस तरह का काम कर सकते हो यार, सीधे से बात है। मैं सिर्फ आपको अकेला तो नहीं बता रहा हूँ ना, आपकी तरह लाखों लोग वीडियो देख रहे हैं यार। यहाँ पे आपकी तरह सारे लोग ऐसे काम करेंगे तो कंपटीशन और बढ़ जाता है। तो ये कभी मत सोचो कि उस क्रिएटर ने बनाया व्यूज आ गए और हम बना रहे तो व्यूज नहीं आ रहे। स्टार्टिंग व्यूज नहीं मिलते यार, स्टार्टिंग में किसी को व्यूज नहीं मिले, बड़े बड़े क्रिएटर को व्यूज नहीं मिलते यार, मुझे भी नहीं मिलते, मुझे भी नहीं मिल रहे। अचानक कोई आपका एक वीडियो ना 100% वायरल हो जाएगा। अगर आप यूट्यूब पर लगे रहे हो ना, आज नहीं तो कल आपका एक वीडियो 100% वायरल जाने वाला है। बट नहीं, आपके अंदर सब्र ही नहीं है। क्यों 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 मैं वेट करूँ? मैं वीडियो आज बनाया, कल अपलोड किया और कल मुझे व्यूज चाहिए। व्यूज नहीं आए तो डिमोटिवेट हो गए। ऐसे नहीं चलता यार काम, ऐसे डिमोटिवेट हो गए ना तो आप यूट्यूब पे कुछ नहीं कर पाओगे। पहले बताते हो यूट्यूब पे आपको इतना आसानी से व्यू नहीं मिलने वाले, इतना आसानी से चैनल ग्रो नहीं हो जाता भाई। अगर इतना आसानी से होता ना भाई, तो सारे लोग यूट्यूबर बन जाते हैं और सारे लोग लाखों रुपये महीने कमाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब चैनल बनाने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, फ्री का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, फ्री पे चैनल बना लो। अब वीडियो वायरल हो गए तो फ्री में पैसे कमाओगे, यहाँ पे कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना, पैसे तो आपको मिल रहे हैं। कोई आपसे यूट्यूब बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है ना, आपसे यूट्यूब कहता है कि 10-20 साल आप तैयार करके और फिर आप काम करो, ऐसा कुछ नहीं कहता यार यूट्यूब। आज आपका मन किया तो आज आप चैनल बना के लाखों रुपये कमा सकते हो, सिर्फ आपको पैसेंस रखना है, सब्र रखना है। आज नहीं तो कल दोस्तों आपको पैसे मिलेंगे। आपसे छोटे छोटे उम्र के लड़के दोस्तों यूट्यूब से लाखों रुपये महीने कमा रहे हैं, और आप ये सब देखोगे, मैंने भी आपको बहुत सारे बता रखे, लोग कमा रहे हैं यार। हम लोग भी तो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। अगली बार बहुत बड़े बड़े क्रिएटर
भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनके भी कभी कभी जीरो सब्सक्राइबर होते थे, कभी कभी उनके भी एक दो व्यू जाते थे यार। तो ये लोग ने यूट्यूब छोड़ा क्या? नहीं ना, यूट्यूब पे काम करते रह गए और आज देख सकते हो उन सबको यार, 3 साल के ऊपर मनोज देव इसके कितने मिलियंस में सब्सक्राइबर उनके 3-4 साल के अंदर, और वो आज के डेट में लाखों रुपए महीने कमाते हैं यार यूट्यूब से। मैं भी चाहता हूँ यार कि जो चीज़ बड़े बड़े क्रिएटर को जो भी जिसको भी फॉलो कर रखे वो भी यूट्यूब से कुछ पैसे कमाए, मेरे को जो फॉलो किया मैं कमाऊँ साथ साथ वो भी कमाए। मैं अगर रिसर्च करता हूँ यार उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको सेटिंग करने बताता हूँ, हम लोगों का बस यही मोटिव होता है कि हम लोग कमाए तो साथ में आप भी कमाओ, कुछ पैसे कमाओ। ऐसा नहीं, आप क्या हो जो भी हम बताते हैं आप उस पर काम करते हो, व्यूज नहीं आता, डिमोटिवेट हो जाता है। वो चीज़ आप अपने अंदर से निकाल दो यार, डिमोटिवेट नहीं हो। कोई क्रिएटर आपको यहाँ से कोई जादू नहीं बता सकता जो कि आप तुरंत ही अप्लाई करो तुरंत ही आपका चैनल बूस्ट हो जाए, ऐसा कोई जादू होता ही नहीं यार यूट्यूब पर, कुछ नहीं होता। हम सिर्फ आपको और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, हम भी 3 साल हो गए मेरे को भी यूट्यूब पर, और हमारा चैनल कैसे ग्रो कर, आप वीडियो देख सकते हो कैसे कैसे हम लोग वीडियो रैंक करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, आप भी हमारे कैटेगरी को तो उस तरह वीडियो बना सकते हो यार। जिस भी कैटेगरी पे आप काम कर रहे हो, आप अपने बड़े यूट्यूबर को देखो वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो किस तरह ट्रेंडिंग टॉपिक 5 कर रहे हैं, उनकी तरह आप वीडियो बनाओ यार, 100% आपकी वीडियो वायरल जाएगी। मेहनत करो यार यूट्यूब पर, किसी के अंदर यार कमियाँ मत निकालो कि वो क्रिएटर बेकार है, हर क्रिएटर है अपनी जगह पर सही, आप बेकार हो, आप दूसरे के अंदर कमियाँ देखते हो ठीक है। दूसरे जितने जितने समय आप दूसरों की कमी निकालने में बर्बाद करते हो उतने समय आप अपने पर लगा लो कि हमें कहाँ से टॉपिक फाइंड करें, क्या चीज़ ट्रेंडिंग पे चल रहा है, क्या चीज़ सर्चेबल है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, किस इस क्रिएटर पे ज़्यादा व्यू आ रहा है, इस तरह का हम वीडियो बनाएंगे, इस चीज़ों की होती है यार मेहनत कर जाओ, इस चीज़ पर मेहनत करो 100% दोस्तों आपकी वीडियो रैंक करेगी, 100% आपकी वीडियो रैंक करेगी यार। जितने भी क्रिएटर आपको यूट्यूब पर दिखते हैं ना, जितने भी जिसके भी सब्सक्राइबर ज़्यादा है, उन्होंने भी 0 सब्सक्राइबर से चैनल स्टार्ट किया था और आज देखो वो कहाँ पर है, और अपने ऊपर विश्वास रखो यार, और आपके भी 0 भी सब्सक्राइबर और 100% आपके भी सब्सक्राइबर मिलियन में पहुंचेंगे, अपने पे विश्वास रखो, अपने पे भरोसा ही नहीं है आपको, तुम्हें खुद लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, आपके डेली 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर रहे, मेरे तो एक भी नहीं भर रहे, आज नहीं भर रहे ना यार, जब आपका वीडियो बूस्ट करेगा ना तो पता नहीं एक दिन में 4 मिलियन व्यू आ जाए, 10 मिलियन व्यू हो जाए, क्या पता। आप इतना अच्छा वीडियो बना दो, समझ रहे हो बात को, शॉर्ट्स का जमाना है, शॉर्ट्स कब यूज कर आपको एक दिन में 1 करोड़ लेके आ जाएगा, ना जाने आपको कितने सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, समझ रहे हो। इसीलिए यार सिर्फ मेहनत करो, मेहनत करो, यूट्यूब के अंदर बहुत पावर है, लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा जाता है यूट्यूब पर। बस आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, सिर्फ यूट्यूब के पीछे पागल मत हो जाओ, पढ़ाई लिखाई मत छोड़ देना, वो हमेशा करते रहना, यूट्यूब को पार्ट टाइम अपना बना के चलो, जब आप यूट्यूब से लाखों रुपये मेहनत कमाने लगो जब तब चाहो तो पढ़ाई लिखाई साइड कर सकते हो और यूट्यूब को सिर्फ टाइम दे सकते हो, पर डेली डेली आपको यूट्यूब पर काम करना है। ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो दूसरे वीडियो अपलोड कर रहे हो व्यूज आया नहीं छोड़ दिया, फिर 1 महीने बाद मोटिवेट हो गए, फिर 1 महीने बाद काम करना शुरू हो गए, ऐसे करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं पहले बता देता हूँ आपको। यूट्यूब को सीरियस होकर काम करो, डेली 2-3 घंटे निकाल लो आप यूट्यूब को, 2-3 घंटा आप यूट्यूब को बैठ के आप अपनी यूट्यूब को कॉन्टेंट बनाओगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर हम वीडियो बना के अपलोड करोगे। अगर मेरी कैटेगरी में तो डेली आप एक वीडियो बना सकते हो, हर दो अगर डेली नहीं बना सकते तो हर 2 दिन में वीडियो बना सकते हो। स्टार्टिंग में मैं भी अभी भी मैं इस तरह वीडियो बनाता हूँ, क्यों मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आते हैं तब भी मैं डेली वीडियो बनाता, बट दोस्तों आप अपने नया चैनल बनाया, आप भी बिल्कुल न्यू यूट्यूबर हो तो आपको डेली वीडियो अपलोड करना ही चाहिए, जैसे मैं भी डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, डेली कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ, आपको भी डेली कम्युनिटी पोस्ट डालना पड़ेगा। डेली जितना आप जितना अच्छा आप करोगे ना उतना ज़्यादा आपके यूट्यूब चैनल को बूस्ट करेगा। अगर आप यूट्यूब के बारे में सीखना सीखना चाहते हो, मैंने और आपके लिए यूट्यूब अच्छा अच्छा वीडियो बना लेके आऊँगा आपको सीखने के लिए ठीक है, और मैं एक प्लेलिस्ट बना लूँगा यूट्यूब के ही बारे में, उसको आप क्लिक करो, वहाँ पर सारे वीडियोज़ देखो आप दोस्तों, वहाँ पर सारे वीडियोज़ देखोगे ना बहुत कुछ सीखोगे आप, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको पता क्या चलेगा। और आप दोस्त बहुत पुराने यूट्यूबर्स आप काफ़ी दिनों से काम कर रहे हो तो आप अपने पास से पूछ के देखो कि आप आज जो कुछ भी जाते हो पहले जानते थे क्या? नहीं जानते होगे, आपको चैनल बनाना नहीं आता होगा, आपको वीडियो अपलोड करने का तरीका नहीं पता होगा पहले, मगर आज सब कुछ सीख चुके हो। ये एक्सपीरियंस है जो आपने गेन किया यूट्यूब के बारे में सीखा है, वो आपके पास एक एक्सपीरियंस हो चुका है, आप आगे फ्यूचर में कोई दोबारा नया एक्सपीरियंस नया चैनल स्टार्ट करोगे तो एक्सपीरियंस आप उसमें यूज कर सकते हो। जब हमारे पास सारे हम लोग भी यही एक्सपीरियंस यूज किए थे, और जब सारे हम लोग का एक्सपीरियंस हो गया तो हम लोग नया चैनल बनाकर हम सारा एक्सपीरियंस उस पर लगा दे रहा हूँ, सर्चेबल टॉपिक क्या है, फिर उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और अब मैं देखो अब मैं धीरे धीरे कितना चैनल बूस्ट करेगा। आपको भी ऐसे ही काम करना है, मेहनत करना है, मेहनत करो ऐसे ही स्मार्ट तरीके से मेहनत करो, 100% आपका चैनल दोस्तों ग्रो करेगा। अगर आप मेरी बातों से थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को यार एक लाइक कर देना अगर मोटिवेट हुए हो तो। अगर आप वीडियो के बारे में कुछ सीखना चाहते हो और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो
यूट्यूब के बारे में, तो अपने अपने वीडियो अभी भी क्लिक करो, आज जाके देखो, बहुत कुछ आपको सिखा दूंगा। आप यूट्यूब की सेटिंग जान जाओगे, आप यूट्यूब थंबनेल बनाने का सही तरीका जान लोगे, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका जान लोगे, शायद बहुत तरीका, बहुत ज़्यादा आपका वीडियो जानने का तरीका मिलेगा। जाके आप सारी वीडियो देखो, सारी वीडियो नॉलेजेबल मिलेगी, शायद आपको कोई जिंदगी पलट जाए अगर, ठीक है।